नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज.com। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट वेबसाइट से तटरक्षक सहायक कमांडेंट भर्ती 2021 निकल गई है। तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसके लास्ट डेट, टोटल पोस्ट और ये जो पोस्ट है, जो वैकेंसीज निकली है टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से और जीडी से, जनरल ड्यूटी से, तो ये जो फॉर्म है इसको हम भरेंगे कैसे, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट, सब कुछ आपको मिलने वाला है प्रयागराज.com वेबसाइट से, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए इसके इंपॉर्टेंट डेट्स। रजिस्ट्रेशन डेट 4/7/2021 से, 4 जुलाई 2021 से आप फॉर्म स्टार्ट कर देंगे भरना। और स्टार्ट लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, 14/7/2021, 14 जुलाई 2021। कंप्लीट फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14/7/2021, एग्जामिनेशन डेट जुलाई अगस्त 2021 में क्लियर हो जाएगा और एडमिट कार्ड भी आपको 20/7/2021 तक मिल जाएगा। इन केस अगर आपको आपके एडमिट कार्ड में कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप यहाँ पर इसे आप फॉलो कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी सरकारी जॉब निकलती है तो उसका नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये तटरक्षक सहायक कमांडेंट भर्ती की, देखिए मैंने ट्वीट कर दिया है, इस ट्वीट के माध्यम से आप अपडेट हो जाएंगे। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर ले, यहाँ पर जो भी है आपको शॉर्ट नोटिस के माध्यम से, एक पेज के माध्यम से, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोफेसर की है, यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी की है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने नीचे आपके कुछ जॉब्स के सिलेबस वगैरह डाल रखे हैं, तो यहाँ से आपको शॉर्ट नोटिस मिल जाएगी। बाकी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेंगे इस बटन को और बेल के आइकन को प्रेस करके रखेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वीडियोज के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए अब आगे देख लेते हैं। तो ये तो रहे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल ओबीसी 0 रुपीज, SC ST 0 रुपीज, PH 0 रुपीज, कुल मिला के कहने का मतलब है कि सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, टोटल फ्री है, केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र ही भरे, ऑनलाइन के माध्यम से ही पत्र भरे, बाकी कहीं से भी कुछ भी ना भरे। तो ये फॉर्म टोटल फ्री है, तो आप इसको जल्दी से भर दें। आयु की अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो आप जो बॉर्न हो, आपकी जो पैदाइशी है वो 1 जुलाई 1997 से लेके 30 जून 2001 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में, बोथ डेट इंक्लूडेड, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अतिरिक्त आयु में अगर आपको छूट चाहिए तो उसके लिए नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा दूंगा कैटेगरी वाइज। अब आइए देख लेते हैं कि ये वैकेंसी डिटेल। तो टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 50 हैं टोटल पोस्ट, और यहाँ पर देखेंगे तो टेक्निकल में अगर आप जाएंगे, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, ये है पोस्ट का नाम। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, SC ST के लिए क्रमशः 2 और 1 है, टोटल पद 10 है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता के लिए अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इस तरह से जितने भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है वो भी आपके 60% के साथ, आपको चाहिए कि आप 60% के साथ आप पास आउट हो, तो ये इसकी योग्यता है। साथ में दूसरा क्या है, अगर आप देखेंगे तो 10+2 मतलब हाई स्कूल इंटर में जो है आपके पास भौतिकी और गणित के साथ 60% अंकों के साथ आप अनिवार्य हो पास आउट। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, तो नोटिफिकेशन अभी आपको मैं नीचे बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। अब आइए दूसरी पोस्ट की बात करता हूं, तो जनरल ड्यूटी की है, जिसे मैं बोलते हैं जीडी। यहाँ पर जनरल के लिए 11, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, SC के लिए 6 और ST के लिए 13। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 40 पोस्ट है। इस फॉर्म को भरने के लिए सभी सेमेस्टर पर वर्ष, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सभी सेमेस्टर, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है उसमें सभी सेमेस्टर में पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 60 अंकों के साथ स्नातक डिग्री, मतलब स्नातक मतलब आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो ऐसा ना हो कि किसी वर्ष फर्स्ट ईयर में आप 50% ले आए हैं बाकी 80-80%, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मिनिमम 3ों साल आपके 60-60-60% होने चाहिए, इसको आप देख लीजिएगा तभी आप फॉर्म भरेगा। 10+2 स्तर की परीक्षा गणित भौतिकी एक विषय के रूप में होना चाहिए, मतलब हाई स्कूल इंटर में आपका गणित और भौतिकी में कम से कम एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए, गणित हो या फिर भौतिकी या फिर दोनों। अब आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक। तो यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, तो पहले तो मैं बता दूं इस फॉर्म को अभी आप नहीं भर पाएंगे, लिंक एक्टिव होगा 4 जुलाई 2021 को, इससे पहले नहीं। तो बाकी की चीजें मतलब नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है ये यहाँ आपको देख सकते हैं, नोटिफिकेशन इसके ऊपर आइए क्लिक कर देते हैं।
जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जो भी आप यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि मैंने पहले बताया। यहाँ पर देखिए जनरल ड्यूटी की है, तो बॉन्ड वही है 1 जुलाई 97 से लेके 2001 तक, 30 जून 2001 तक। साथ में यहाँ पर देखिए जेंडर भी दिया हुआ है, मेल कैंडिडेट्स के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया 60% डिग्री के साथ। अब ये आप पूरा का पूरा आप एजुकेशन सिस्टम आप पढ़ सकते हैं कि क्या आप क्या यहाँ पर क्या आपसे मांगा जा रहा है। दूसरा टेक्निकल में अगर आप जाएंगे तो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल में बिटवीन वही आपका जो यहाँ पर देखिए बॉन्ड बताया गया है, मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाया गया है। तो ये आप बहुत ही आराम से पढ़ लें, समझ लें, देन आप फॉर्म को भरे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष 60% 70% मांगा है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब आइए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, वैकेंसी की बात करता हूं, तो कैटेगरी वाइज ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो इसको भी आप अच्छे से यहां से पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा बताने का मतलब ये है कि आप कैसे इस चीज को वो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरा इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। बाकी शॉर्ट में मैंने ऑलरेडी प्रयागराज.com वेबसाइट पर बता दिया। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन देखिए बताया गया है कि आप जो है 4 जुलाई टू 14 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2359 आवर्स का समय मिलेगा आपको। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करते जाइए, जो मेन मेन है उसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, बाकी चीजें आप स्वयं पढ़ लें। इन केस कोई समस्या होती है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉर्म को भरने का डेट दिया गया है और लास्ट डेट दिया गया है, बिगनिंग डेट दिया गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, बाकी ये आपका नोटिफिकेशन है, बिना इस नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा पढ़े आप फॉर्म को कृपया ना भरे। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेडिकल स्टेटस में अगर आप जाएंगे कि आपका क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, आपकी आंखों में क्या दिक्कत है या क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखना बॉडी में कोई टैटू है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके टर्म्स कंडीशन है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें। बहुत से लोग फैशन में अपने हाथों में, पैर में और हर जगह टैटू करवा लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ आप पढ़ लेना। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी ये आपका नोटिफिकेशन है तो इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड कर लें। अब आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने का ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट यही है joinindiacastguard.gov.in, इसी को पूरा क्रेडिट जाता है, यहीं से मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिया। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होके आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिए कोई भी जानकारी अगर आपको इससे रिलेटेड है तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड होके यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ये रहा आपका पीडीएफ। साथ में अगर आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट का, असिस्टेंट कमांडेंट का आप देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इस पीडीएफ के ऊपर क्लिक कीजिए। पीडीएफ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वही सारी जानकारी मिल जाएगी, आप यहीं से सारा सब कुछ रीड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अदरवाइज आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ शेयर कर रखा है। जैसे अप्लाई करने के लिए क्या है, 4 तारीख के लिए, अगर आप लोग 50 से ज्यादा वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो फॉर्म को कैसे भरना है, 4 तारीख का इसका लिंक जो है एक्टिव होगा, तो उसका नोटिफिकेशन मेरे ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह मैं डाल दूंगा। बस अरते आपको करना क्या है, बस 50 से ज्यादा कमेंट करना है, कॉन्टेक्ट करना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, मैं आपको चीजों को प्रोवाइड करवा दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। बच्चे मुझसे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको 1-2 लोगों को, 10 लोगों को का फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भर भी दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक है मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।